हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर रूप किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी लालू नगर मधेपुरा के द्वारा गैस फैकल्टी रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरह के नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर गैस फैकल्टी रिक्रूटमेंट। और आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू प्रिपेयर अ पैनल फॉर एंगेजमेंट ऑफ गैस फैकल्टीज ऑब्लिक पार्ट टाइम टीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑन अ प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पर है। और आप यहाँ से देख सकते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार विल स्ट्रिक्टली फॉलोड कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज एज पर द रोस्टर प्रिपेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ BNMU एंड दे विल बी पेड एन ऑनोरियम ऑफ 1500 रुपी पर क्लास विद ए मैक्सिमम रुपीज 50,000 पर मंथ। तो इसमें जो आपको ऑनोरियम है कैंडिडेट्स को वो 1500 रुपी पर क्लास मिलेगा और मैक्सिमम जो होगा वो 50,000 पर मंथ होगा। और आप इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, द यूनिवर्सिटी पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ गैस फैकल्टी ऑफ पार्ट टाइम टीचर्स विल बी ओपन्ड ऑन 20 मार्च 2024। तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मार्च 2024 से ओपन होंगे एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स विल बी 18 अप्रैल 2024। और इसमें जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल 2024 है। द पोर्टल कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। और पोर्टल जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा और वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं www.bnmu.ac.in। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कैंडिडेट को जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल जो फाइनली सबमिटेड है एप्लीकेशन फॉर्म उसका प्रिंट आउट लेना होगा और दे नीड टू सबमिट डली साइंड प्रिंट आउट कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रेलिवेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाई 25 अप्रैल 2024। और उस फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ कैंडिडेट को अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज लगानी होगी और वो हार्ड कॉपी में भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म 25 अप्रैल 2024 तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, टू द रजिस्ट्रार BN मंडल यूनिवर्सिटी लालू नगर मधेपुरा 852113 थ्रू स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू एंड नो हैंड टू हैंड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो हाथों हाथ कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा, आपका फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुँच जाना चाहिए 25 अप्रैल 2024 तक। और आप यहाँ पे नंबर टू पर किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसे हम इसमें क्लियर नहीं है, लास्ट के पेज में क्लियर है, हम वहाँ से बात करेंगे वैकेंसीज के। यहाँ से देखते हैं हम, हाँ पेज नंबर 10 पर है जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी अलग अलग दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं पेज नंबर 10 पर वैकेंसीज ऑफ गैस फैकल्टी ऑफ पार्ट टाइम टीचर इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑन प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस। और यहाँ से आप देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंट पोजिशंस हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं AIH में 11 वैकेंसी, एंथ्रोपोलॉजी में 4 है, बॉटनी में 13 है, केमिस्ट्री में 23 है, कॉमर्स में 11 है, इकोनॉमिक्स में 29 है, इंग्लिश में 28 है, ज्योग्राफी में 12 है, जियोलॉजी में 5 है, हिंदी में 5 है, हिस्ट्री में 28 है, होम साइंस में 7 है, LSW/PMIR में 6 है, मैथिली में 13 है, मैथमेटिक्स में 26 है। और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप यहाँ से देख सकते हैं इस टेबल के अनुसार। और इसके अलावा म्यूजिक में 5 है, पर्सियन में 4 है, फिलोसफी में 9 है, फिजिक्स में 28 है, पॉलिटिकल साइंस में 22 है, साइकोलॉजी में 23 है, रूरल इकोनॉमिक्स में 8 है, संस्कृत में 9 है, सोशियोलॉजी में 16 है, स्टैटिस्टिक्स में 5 है, उर्दू में 10 है और जूलॉजी में 29 है। तो इस प्रकार से वैकेंसीज हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी। तो और इसके अलावा हाँ, एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पेज नंबर 3 पर ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन अ कंसर्न्ड और रेलिवेंट और अलाइड सब्जेक्ट। तो 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है फॉर, आप यहाँ से देख सकते हैं SC/ST/BC1 नॉन क्रीमी लेयर, BC11 नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट ऑफ द स्टेट। और
बाकी रिजर्वेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेट, और कैंडिडेट ने नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, और ऐसे या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनकी पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत है तो उन कैंडिडेट को नेट सिलेक्ट या सेट से छूट दी जाएगी। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनकी पीएचडी यूजीसी रेगुलेशन ऐसे कैंडिडेट जिनका पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पूर्व हो चुका है तो उन कैंडिडेट को भी नेट सिलेक्ट या फिर सेट से छूट दी जाएगी। और मगर उन कैंडिडेट को ये जो 5 कंडीशंस हैं ए बी सी डी ई, इन 5 कंडीशंस के फुलफिलमेंट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन। और एप्लीकेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 11/7/2009 टिल द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2009 इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार एंड सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन पीएचडी डिग्री शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट स्लेट सेट फॉर रिक्रूटमेंट इफ दे हैव बीन अवार्डेड पीएचडी डिग्री इन कंप्लायंस विद द अबव 5 कंडीशंस मेंशन्ड फ्रॉम ए टू ई एंड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन हैज बीन इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार एंड डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ से कंडीशन देख सकते हैं और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा हाँ एप्लीकेशन प्रोसेस है पेज नंबर 6 पर आप देख सकते हैं। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 20 मार्च 2024 टू 18 अप्रैल 2024 बाय क्लिकिंग द वेब लिंक प्रोवाइड बाय द ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, देन दे नीड टू सबमिट द डेली साइन प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रेलिवेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाई 25 अप्रैल 2024 टू द रजिस्ट्रार बी एन मंडल यूनिवर्सिटी लालू नगर मधेपुरा 852113 थ्रू स्पीड पोस्ट ऑब्लिक रजिस्टर्ड पोस्ट ऑब्लिक कोरियर। और कैंडिडेट आर फर्दर एडवाइज दैट बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म दे मस्ट गो थ्रू केयरफुली द डिटेल ऑफ कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शंस पब्लिश्ड विद दिस रिक्वायरमेंट। और एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो ऑल फीस आर टू बी रेमिटेड ऑनलाइन ओनली। और फीस फॉर जनरल ई बी सी और बी सी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है और एस सी एस टी पी डब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फीस वंस रेमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड। और सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ से देख सकते हैं पेज नंबर 6 पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल कैरी 100 मार्क्स एंड इंटरव्यू 15 मार्क्स। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 100 मार्क्स का स्कोर कैलकुलेट होगा 100 में से और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ पॉइंट्स फॉर एकेडमिक हैज़ बीन गिवन इन द टेबल फर्स्ट बिलो। और जो मार्क्स का जो स्कोर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस टेबल के अनुसार होगा आप यहां से देख सकते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में 80% या अबव 15 स्कोर मिलेगा, 60% टू लेस देन 80% तो 13 स्कोर मिलेगा, 55% टू लेस देन 60% तो 10 स्कोर मिलेगा और 45% टू लेस देन 55% तो 5 स्कोर मिलेगा। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 80% या अबव 25 स्कोर मिलेगा, 60% टू 80% 23 मिलेगा, 55% टू लेस देन 60% है तब 20 स्कोर मिलेगा और एमफिल के 60% या अबव है तब 7 स्कोर मिलेगा, 55% टू लेस देन 60% तो 5 स्कोर मिलेगा। पीएचडी का 30 स्कोर मिलेगा, नेट विद जीआरएफ है तो 7 स्कोर मिलेगा, केबल नेट है तो 5 स्कोर मिलेगा, सिलेक्ट या सेट में 3 स्कोर मिलेगा। और रिसर्च पब्लिकेशन के 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी के लिस्टेड स्कोपस जनरल। तो प्रत्येक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम रिसर्च पब्लिकेशन के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। इसी प्रकार से टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच, तो 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स हैं और मैक्सिमम टोटल टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं। इसी प्रकार से अगर अवार्ड्स हैं कैंडिडेट के पास, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल अवार्ड्स गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडी के द्वारा दिए गए अवार्ड है तब 3 स्कोर मिलेगा और स्टेट लेवल अवार्ड गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट तब 2 स्कोर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम 30 स्कोर मिलेगा और जीआरएफ नेट या सेट है तो मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे और अवार्ड्स कैटेगरी में मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से एकेडमिक स्कोर के टोटल 80 मार्क्स हुए, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10, तो आपका जो स्कोर है वो 100 में से कैलकुलेट किया जाएगा। कैंडिडेट अपना अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं इस टेबल के अनुसार। और बाकी सभी कंडीशंस आप यहां से देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। और जो सीट्स का वैकेंट पोजीशंस हैं और
कैटेगरी बाय रिजर्वेशन है जो वो आप पेज नंबर 10 और 11 पर देख सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार के नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।